हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बटन रोज़। अरे कितना अच्छा सा फ्लावर खिला हुआ है इसमें, बहुत ही छोटा सा, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं इसमें गुच्छों में। और यहाँ पे ये देखिए, ये कलियाँ इसमें बहुत सारी बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हैं, ये देखिए ये रही। तो ये है बटन रोज़, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये करता है। तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी इसमें हो रही है। ये देखिए नए नए ब्रांच इसमें निकली हुई हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है इसमें भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी छोटी सी शॉपिंग। कुछ पॉट और कुछ प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, तो आइए मेरे वीडियो में चलते हैं। देखिए मैं कौन कौन से पॉट या प्लांट लेकर आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये गुलदावदी, ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा सा है। ये कलर मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है, क्योंकि इससे फिर हम अगले सीजन में बहुत सारे प्लांट तैयार कर लूँगी मैं इसके। अभी तो कलियाँ ही हल्की हल्की सी खिली हुई हैं, थोड़ा प्याजी सा कलर, प्याजी सा भी नहीं है, थोड़ा रेडिश कलर में है। तो ये मेरे पास कलर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। कितनी सारी कली बनी हुई हैं इसमें, बिल्कुल भरा हुआ है कलियों से। और इस तरह से ये पॉली बैग में लगा हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है इसकी, ये देखिए, और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा है, क्योंकि मेरे पास ये कलर नहीं था। और दूसरा ये देखिए, दूसरा गुलदावदी, ये वाइट कलर में बताया है मुझे कि वाइट कलर है इसमें। अभी तो बहुत छोटी छोटी कलियाँ बनी हुई हैं, कलर का तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है इसमें, लेकिन वाइट कलर बड़े फ्लावर वाला। ये देखिए इस तरह के पॉलिथीन में ये पैक आया है, बिल्कुल बांधे हुए, बिल्कुल निकाल के लाए होंगे, जैसे कहीं से ज़मीन में से निकाला है, पता नहीं क्या। इस तरह की पन्नियों में बांध के लाते हैं ये। तो इसके भी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, तो ये भी बहुत ही हेल्दी है प्लांट। तो बड़ा फ्लावर वाला मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने ये दो प्लांट खरीदे, ताकि मैं अगले सीजन में इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकूँ। तो ये मुझे 40-40 रुपीज़ के पड़े हैं दोनों, 40 का ये और 40 का ये। और ये देखिए यहाँ पे ये दो पॉट ख़रीदे हैं मैंने इस तरह से, ये मुझे 20-20 के पड़े हैं, 20-20 रुपए के। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें होल बना लिए हैं, क्योंकि मुझे ये एक गुलदावदी लगाना है इसमें, एक दूसरा प्लांट है जो उसको भी मैं इसमें रिपोर्ट करूँगी। एक पॉट में उसको लगा दूंगी, एक में गुलदावदी लगा दूंगी। और ये मुझे 20-20 के पड़े हैं, और इन्हीं के साथ मैंने ये भी लिए हैं दो, मिट्टी भरने के लिए। इस तरह से मिट्टी भरने में बहुत दिक्कत होती थी, हाथ से भरना या फिर किसी चीज़ को ढूंढते रहो किससे भरें किससे भरें। तो मैंने ये दो खरीदे हैं, एक को मैं कभी भी यूज़ कर लूँगी, दूसरा एक को मैं यहीं पे डेली यूज़ कर लिया करूँ गार्डन में। तो दो मैंने ये ख़रीदे हैं, तो इसके साथ मैं आपको रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी गुलदावदी की, किस तरह से हमें रिपोर्ट करना है इसको। तो इसकी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है पहले से ही, एक भाग मिट्टी, एक भाग खाद, और एक भाग इसमें कोकोपीट है, और एक भाग इसमें सैंड है, रिवर सैंड जो होता है। अगर आपके पास रिवर सैंड है तो वो भी मिक्स कर सकते हो, और बजरी है तो बजरी भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसके बाद साथ ही इसमें मैंने एक मुट्ठी नीम खली डाला है, एक चम्मच फंजीसाइड, और बोन मील तो मैं नहीं डालती, मैं उसकी जगह इसमें स्टोन डस्ट डालती हूँ, एक मुट्ठी, एक पॉट में एक मुट्ठी। और स्टोन डस्ट भी नहीं है अगर आपके पास बोन मील की जगह, तो कैल्शियम का काम करता है पौधे में। तो इस तरह के देखिए आप, जो अंडे के चूरा होता है, अंडे के छिलके सुखा के हम अच्छे से, तो वो यूज़ कर सकते हो हम, इतना से एक प्लांट में हमें इतना से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे प्लांट में, और ड्रेनेज भी अच्छा रखता है मिट्टी का। इसी तरह से मैं अब इसको रिपोर्ट कर दूंगी। तो कंपोस्ट में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है, थोड़ी सी गोबर की खाद है, तो वो मैंने एक हिस्सा बना लिया है सभी का, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट,
थोड़ा सा किचन वेस्ट, थोड़ा सा मेरा लीफ कंपोस्ट, तो सबका मैंने एक हिस्सा बना लिया है मिट्टी में। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, लीफ कंपोस्ट भी नहीं है, या फिर किचन वेस्ट भी नहीं है, तो आप गोबर की खाद डाल सकते हो। इनमें से कोई भी जो भी खाद आपके पास है तो वो डाल सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि सारी खाद हम डालें। और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने एप्सम सॉल्ट, वो हमारे प्लांट को शॉक में नहीं जाने देता है। तो अब हम प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से होल बहुत ज़रूरी है प्लांट पॉट में। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे ये मैंने होल बना लिए हैं। तो इस तरह से मैंने होल को, इसमें कोयला मैंने डाला है, थोड़ा सा थर्माकोल है वो डाला है। तो इस तरह से हम अब मिट्टी फिल कर लेंगे इसमें। थोड़ी सी और फिर हम प्लांट को इसमें सेट कर देंगे। तो पॉली बैग में से हमें प्लांट को इसी तरह से निकालना है बिल्कुल आसानी से। ये देखिए पीछे से दबा दबा के थोड़ा, और यहाँ पे ऐसे उंगली लगा लीजिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारा प्लांट निकल के आ गया है। और इसका रूट बॉल हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हल्के हल्के से मिट्टी निकाल लेंगे बस इस तरह से, ताकि इसकी रूट्स खुल जाएं। थोड़ी इसमें बंद है, हल्की हल्की सी हमें मिट्टी हटा लेनी है बस। रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, नहीं तो प्लांट सॉक में चला जाएगा और फिर से रिकवर होगा कि नहीं। तो ये देखिए हमने इस तरह से सेट कर लिया है पॉट में, और अब हम इसमें मिट्टी फिल कर देंगे। थोड़ी सी सरसों की खली भी मैंने इसमें ऐड करी है, अब तो ज्यादा जरूरत नहीं है सरसों की खली की इसमें, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दी। थोड़ी बहुत और कलियां अगर इसमें बनेंगी तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है सरसों की खली, कली बनाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब तो इसमें कलियां बन चुकी हैं, फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी बन रही हैं, तो मैंने थोड़ी सी इसमें सरसों की खली भी डाल दी है। तो इस तरह से हम प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे। देखिए हमारा प्लांट लग के रेडी हो गया है बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें कोई भी, अगर आप इस टाइम पे गुलदाउदी खरीदते हो तो इसी तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो इसको। तो इसको भी मैं इसी तरह से रिपोर्ट कर दूंगी दूसरे पॉट में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे शॉपिंग और रिपोर्टिंग का वीडियो? और मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।